हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे, रिसेंटली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें ये कहा गया है कि 74.1% जो भारतीय है ये एफोर्ड नहीं कर सकते हैं एक हेल्दी डाइट। तो क्या है यहाँ पे पूरा कॉन्टेक्स, उसको डिस्कस करेंगे। मेनली देखिए, एशिया पेसिफिक के ऊपर यहाँ पे जो रिपोर्ट पब्लिश की है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मेनली, और क्या यहाँ पे की फाइंडिंग्स है इस रिपोर्ट में इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देखिए, उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये जो है हमारी नॉट ओनली चिल्ड्रंस या फिर एडल्ट्स को भी अफेक्ट कर रही है, और यहाँ पे कुछ कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपके GS1 पेपर में जो सोसाइटी है उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए, या फिर GS2 में जो गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा, और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज सॉरी, मेरा थोड़ा तबीयत खराब है, एक्चुअली गले में थोड़ी कॉफ प्रॉब्लम है, तो आवाज को थोड़ा सा अलग आप महसूस कर सकते हैं। एनीवेज, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका टाइटल है एशिया एंड द पैसिफिक रीजनल ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2023। तो यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स और ट्रेंड को एनालाइज किया गया है, और इस रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 74.1% इंडियंस, यानी कि देखिए कि 140 करोड़ की आबादी का आप लगा सकते हैं कि 100 करोड़ से भी आसपास जो भारतीय है ये एक बैलेंस डाइट 2021 के हिसाब से एफोर्ड नहीं कर सकती है। और यही रेट जो है पाकिस्तान में अगर देखेंगे तो 82.82% है, और अगर बांग्लादेश में देखेंगे तो 66.1%, यानी कि लोग जो है हेल्दी फूड एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज मेंशन किया गया है कि देखें कि फूड की प्राइजेस जो बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन ये बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ अगर इनकम जो लोग कमाते हैं वो अगर नहीं बढ़ती है तो यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनको बहुत ही मुश्किल होती है, लगभग इम्पॉसिबल होती है कि एक न्यूट्रिशियस डाइट वो फॉलो कर सके। एक सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि आपकी सैलरी जितनी है, आप जिसके हिसाब से आज से 2-3 साल पहले जो है एफोर्ड करते थे एक बैलेंस डाइट आपके फैमिली के लिए, लेकिन अभी जैसे कि इन्फ्लेशन की वजह से ये अगर बढ़ चुकी है, कुछ कुछ चीजें आपको स्किप करनी होगी, और यही इन द लॉन्ग रन काफी इफेक्ट करती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे डेटास को भी एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है 2021 के हिसाब से जो अलग अलग देशों की पर डे जो है एक हेल्दी डाइट की कंपैरिजन अपने देश के कंपैरिजन और डॉलर के इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पेरिटी, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए, देख सकते हैं भूटान में लगभग 5.5 डॉलर पर डे के हिसाब से है, और यही जो है भारत में 3.1 डॉलर पर डे के हिसाब से हेल्दी डाइट भारत के लिए है। जन चार्ट टू ऑलरेडी जैसे कि डिस्कस किया कि लगभग 74% जो भारतीय हैं ये हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इथियोपिया, पाकिस्तान, नेपाल, ग्रेजुअली ये कम होती जा रही है, और UAE या फिर रशिया, ब्राजील यहाँ पे काफी कम है। नेक्स्ट अगर देखा जाए यहाँ पे जो कितने प्रतिशत लोग जो है अलग अलग कॉन्टिनेंट के हिसाब से दिए गए हैं, तो उनमें जो कॉस्ट ऑफ जो हेल्दी डाइट जो है कितनी बढ़ चुकी है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे एशिया में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इन 2029 से लेकर 2021 तक। अफ्रीका में आप देख सकते हैं अगर पूरे दुनिया में 6.7%, और नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी कम है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं हुई है, ओशिनिया में भी काफी ज्यादा हो चुकी है। और अगर देखेंगे यहाँ पे अलग अलग कॉन्टिनेंट में कितने लोग जो है उनको हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं पूरे दुनिया में अगर अभी के हिसाब से 134 मिलियन, उनमें से जो है 72 मिलियन जो है ये सिर्फ एशिया से है। हालांकि एशिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप देखेंगे अफ्रीका या फिर अलग अलग देशों में, क्योंकि अगर अफ्रीका की पॉपुलेशन भी अगर देखेंगे लगभग 120 करोड़, ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पॉपुलेशन है, और इंडिया का पॉपुलेशन ही 140 करोड़ है। तो उसके हिसाब से चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे अगर देश इंडिया में एशिया में है तो बहुत ज़्यादा ही लोग हैं जो सफ़र करेंगे एक हेल्दी डाइट को अरेंज करने में।
नेक्स्ट अगर बात करेंगे एशिया पैसिफिक में, तो 2022 के हिसाब से कहा गया है कि 55 मिलियन जो लोग हैं उनको कोविड पैंडेमिक के वजह से एशिया पैसिफिक में मलनरिश्ड जो है उसका शिकार करना पड़ा था। अगर बात करेंगे 10% जो महिला है स्पेशली उनको सीवियर फूड सिक्योरिटी जो है सफर करना पड़ा था, और अगर 25% महिला उनको मॉडरेट इनसिक्योरिटी फेस करना पड़ता था। और अगर बात करेंगे यहाँ पे हेल्दी डाइट की कॉस्ट जो है एवरेज कॉस्ट अगर एशिया पैसिफिक में अलग अलग देशों की कंपेरिजन डॉलर के साथ अगर किया जाए तो ये लगभग जो है 4.15 डॉलर पर पर्सन पर डे निकल के आती है, और यही चीज जो है इंडिया के लिए थोड़ी सी कम है, लगभग 3.1 डॉलर पर पर्सन पर डे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे कुछ की फाइंडिंग्स, तो देखिए यहाँ पे स्टन ग्रोथ यानी कि जो अंदर 5 जो बच्चे हैं उनकी एज के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ रही है उसका अगर एक निकाला जाए डेटा, तो लगभग 31.7% भारत में जो है ये स्टंट चिल्ड्रन पाए जा रहे हैं अंडर 5, यानी कि उनकी हाइट जो है उनकी एज के अकॉर्डिंग बढ़ नहीं रही है। देन वेस्टिंग यानी कि हाइट उनके एज के हिसाब से वेट काफ़ी कम है, और यही देखा जाएगा भारत में तो लगभग अंडर 5 जो बच्चे हैं 18.7% उनकी जो वेट जो है ये उनके एज के हिसाब से बढ़ नहीं रही है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एनीमिक परसेंटेज, तो भारत में 2019 के हिसाब से लगभग 53% महिलाएं जो है जो जिनकी एज 15 से लेकर 49 है यानी कि उनकी जो रिप्रोडक्टिव एज उनके उसी दौरान जो है उनको एनीमिक पाए गए हैं लगभग 53%, जो एक बहुत ही बड़ा नंबर है आप देख सकते हैं, यानी कि आपको लगभग 75 करोड़ महिला जो है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 140 करोड़ में यहाँ पे मेल भी तो होंगे, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है 53% महिलाओं में से यहाँ उनको एनीमिक पाई गई है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एडल्ट सिटीजन 1.6% जो है ओबीज है, और यही चीज़ जो है अगर देखा जाए जो चिल्ड्रन के मामले में ये 2.8% जो बच्चे हैं ये ओबीज हैं, इनकी वेट उनकी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज देखिए जंक फूड भी इस्तेमाल कर रहे हैं ये, और अगर कोई ओबीज भी है उसको भी मल न्यूट्रिशन में ही इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि अपने माँ के जो दूध पीते हैं, तो उनमें अगर देखा जाए 0 से लेके 5 मंथ तक यहाँ पे इंडिया काफ़ी अच्छी रैंकिंग कर रही है, तो 63.7% जो महिला अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, और ये ग्लोबल एवरेज से थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन अगर बात करें कि लो बर्थ वेट यानी कि पैदा होने के टाइम में जितना भी वजन होता है 3 kg 4 kg, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए 27.4% जो बच्चे हैं जब पैदा होते हैं वो भारत में लो बर्थ वेट यानी कि उनका जितना जो देखिए वेट होना चाहिए उससे कम है। देन हेल्दी डाइट जो है ये हर जो एवरेज हर साल जो है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर कंपेरिजन किया जाए तो ये 5.3% के हिसाब से बढ़ रही है, जिसका एक बहुत ही बड़ा रीजन जो है हमारे देश में जो मलनरिश्ड जो लोग हैं उनको शिकार करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2023 गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यहाँ पे ईनैम जो है, देन प्लेटफॉर्म फॉर नेशनल फूड प्रोसेसिंग मिशन। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे देखिए काफ़ी कुछ चीज़ें की है यहाँ पे, ताकि देखिए दो गरीब लोग हैं अलग अलग जगहों पे, मनरेगा जैसे कि स्कीम्स भी निकाली है यहाँ पे, अलग अलग लिवलीहुड मिशन के बारे में भी प्लानिंग की है, लेकिन देखिए इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे नॉट ओनली देखिए कि स्कीम्स को निकाला, यहाँ पे अवेयरनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी कि लोग देखिए उनको सिर्फ पेट भरने से मतलब है, यहाँ पे हेल्दी डाइट क्या होते हैं यहाँ पे कुछ बहुत लोगों को पता नहीं होता है। सिंपल से अगर बात करेंगे यहाँ पे हर दिन अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से बात करेंगे 6 ग्राम से ज़्यादा सॉल्ट नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर लोग यहाँ पे टेस्ट के लिए इससे ज़्यादा एक्सीड कर देंगे तो उसके वजह से भी बीमारी हो सकती है। जितना देखिए वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लगभग इन अप्रोक्सीमेट जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 400 ग्राम्स फ्रूट या फिर वेजिटेबल्स मिलनी चाहिए, ये नहीं मिलती है। बहुत सारे लोग अनजाने में कुछ अलग चीज़ें भी कंज्यूम करते हैं जो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस है, उसके लिए भी यहाँ पे अवेयरनेस बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और दूसरी बात यहाँ पे देखिए बहुत सारे अगर रीजनल लेवल पे लोकल लेवल पे हर स्टेट यहाँ पे कोशिश कर रही है, लेकिन अवेयरनेस के वजह से बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है। यहाँ पे अगर बात करेंगे पैन कार्ड, तो उसके हिसाब से भी जो रेशन कार्ड जो होती है उसके लिए भी इंतजाम किया है, लेकिन बहुत लोगों के पास पैन कार्ड भी नहीं है यहाँ पे, तो
ये बहुत सारे फैक्टर्स जो है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही आपको सोचना चाहिए कि अवेयरनेस कैसे आप बिल्ड कर सकते हैं, और उसके थ्रू लोग जो है कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के थ्रू फायदा उठा ही लेंगे। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट, जहां पे बोला गया है कि 74% भारतीय जो है अपने लिए जो हेल्दी डाइट जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी वाइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।